सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई नितिन के व्लॉग से जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, बोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा। कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन नितिन जो है ना, देखने को खुश ही नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब नितिन के ने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे उसके व्लॉग देखने के लिए। और स्टार्टिंग में उसके व्यूज़ भी आए और एक हफ्ते के अंदर ही उसके 100K भी हो गए थे, है ना। लेकिन अब जो है ना, नितिन के पास कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है। कंटेंट के नाम पर वो पहले जो है उसने अपने फैमिली को दिखाया, ठीक है, उसके बाद फिर वो अपने गर्लफ्रेंड को ले के आया, फिर गर्लफ्रेंड चली गई, फिर व्यूज़ डाउन हो गए, उसके बाद फिर गर्लफ्रेंड को ले आया। तो यही ये कंटेंट है, और कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं दिखा रहा नितिन इस टाइम पे। एक ये लगा लो व्लॉगिंग, सुबह पूरा दिन जो है बाहर घूमना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और उसके बाद जो है खाना दिखाना। मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि आपको डेली व्लॉगिंग छोड़ के ना, आपको फूड व्लॉगर बन जाना चाहिए। आप पूरा दिन खाना दिखाते रहते हो, अलीशा को दिखाते रहते हो, और तो कुछ है ही नहीं आपके पास। अच्छा, वहीं बात कर ले अलीशा की, तो वहाँ पे जो है ना, आपने देखा होगा, उन्होंने बोला कि मैं रात को जो है ना अपने फ्लैट पे चले जाती हूँ। चलो मान लिया आप अपने फ्लैट पे चले जाती हो, लेकिन कल का व्लॉग आप देखना, नितिन की मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वो बेचारी मतलब खाना बना रही थी और वहाँ पे जाके ना वो व्लॉगिंग कर रही है कि खाना बन गया, नितिन की मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना दिया, तो मैं और मोटू जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। मतलब किस टाइप की लड़की हो यार, उसकी मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है, क्या मतलब अलीशा खाना नहीं बना सकती वहाँ पर जाके? और चलो मान लिया उसकी मम्मी खाना बना रही है, और कुछ लोग ये बोलेंगे उसको खाना बनाना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं, नितिन ने खुद बोला था एक बारी कि अलीशा को सब कुछ बनाना आता है। तो अगर सब कुछ बनाना आता है आपको, तो हेल्प करने में क्या जाता है, एक बात बताओ। वैसे भी तो डेली उसकी मम्मी खाना बना रही होती है, आप डेली व्लॉगिंग में देख लेना, कहीं पे भी अलीशा खाना बनाते हुए किचन में आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ नितिन की मम्मी ही खाना बना रही है। तो भाई किस मतलब किस टाइप की लड़की हो यार, मतलब आपको सिर्फ खाना खाना आता है, और तो और लोगों ने ये तक बोला कि इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है कि हम बोर हो चुके हैं इसकी ओवर एक्टिंग देख के। एक तो रियलिटी एक इंसान होता है कि वो जो जैसा है ना, वैसा ही आपको सामने दिखेगा, लेकिन जो ओवर एक्टिंग करता है, जो अपने आप को मतलब चेंज करके दिखाता है, वो आपको आप फटाफट से उसे पहचान जाओगे। अच्छा, और तो और उत्तराखंड से कमेंट्स आ रहे हैं, अभी भी उत्तराखंड के लोग बोल रहे हैं कि आप जो है हमारे उत्तराखंड के कल्चर को दोबारा से वो कर रहे हो, और हमारा उत्तराखंड का कल्चर ऐसा नहीं है कि लड़कियां इस टाइप से जो है इतनी एडवांस घूमें और ऐसे जो है लड़के के किसी घर जाके रहें। तो अभी भी लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं उनको भर के, पर वो मुझे नहीं लगता कि शायद आंसर देंगे। और हाँ, ये एक चीज़ है कि भाई अलीशा जो है, ठीक है मान लिया बहुत अच्छी लड़की है, उसके कपड़ों के ऊपर भी बात नहीं करते, बट अगर किसी के घर में तबीयत ख़राब है, नितिन की मम्मी की तबीयत ख़राब है, और आपने ठान रखा है कि शादी मुझे यहीं करनी है, तो हेल्प करने में आपका क्या जाता है? और तो और फिर वो व्लॉग में ये भी बोल रही है कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो ना मम्मी के लिए बाहर से खाना ले जाते हैं, आज हम बाहर से ही खाना खाएंगे। एक तो वो बीमार है, और ऊपर से आप उसे अनहेल्दी खाना खिला रहे हो उसकी मम्मी को, तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। क्या मतलब आपसे दो रोटियां नहीं बनती, या फिर आपसे कुछ नहीं होता? मतलब खुद तो अनहेल्दी खाओ, लेकिन दूसरों को भी अनहेल्दी खिलाओ। तो ये था मेरा एक रिव्यू ब्लॉग के बारे में, और आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।